इरफान कहाँ मर गया तुम? घर की सफाई क्यों नहीं की? तुम्हें बताया था ना मेहमान आ रहे हैं। इरफान तुम बोल क्यों नहीं रहे? गूंगे हो गए क्या? इसकी दवाई लो और जल्दी सफाई करो, मेहमान आने ही वाले हैं। हाँ दनान, किधर रह गई यार? यार जल्दी घर आए। हाँ यार मैं बस रेडी हो रही हूँ। यार मेरा सेट नहीं मिल रहा। हेलो यार, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। इरफान, इरफान के बच्चे। जी बाजी, सब खैरियत? खैरियत के बच्चे, मेरा सेट किधर है? जी बाजी, कौन सा जेवर? मुझे तो नहीं किसी जेवर का पता। इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है, तुम ही इस घर की सफाई करते हो और तुम्हें पता है इस घर की चीजें कहाँ कहाँ पड़ी होती है। साफ साफ बता दो मेरा सेट किधर है। बाजी मुझे सच में नहीं पता आपका जेवर किधर है। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे पुलिस को कॉल करनी पड़ेगी। क्या हुआ बेगम, क्यों इस गरीब से लड़ रही हो? ये आपको गरीब लग रहा है? इसने इधर से मेरे जेवर चुरा लिया है और ये मान भी नहीं रहा। अरे बेगम, क्यों इस गरीब पे इल्जाम लगा रही हो? ये रहा तुम्हारा जेवर, ये कल मैं ले गया था। मैंने कहा किसी और के हाथ ना रह जाए, बाहर पड़ा हुआ था उधर, वहां से मैं ले गया था। क्या, ये तुम लेके गए थे? दिखाओ मुझे। जाओ तुम। ये आपके पास कैसे आया, सच बताइएगा। आ गया मेरा पुत्र। लेटर नहीं, लेटर नहीं, कुछ नहीं। दे दे दे। आ गया मैं। आज का दिन कैसा गुजरा? अम्मी जान, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है। और मैंने आपको एक खुशखबरी देनी थी, आपके इलाज का बंदोबस्त मैंने कर लिया है। पुत्र ओ केंज, ये देखें। ए पुत्र, सच सच दस किथे ले आई? माँ जी, आपके इलाज का मेरे पास सिर्फ एक ही हाल था, ये मैंने बाजी के घर से चोरी किया। तेरी ऐसी खुशखबरी ते लानत, मैं वैसे ठीक हो जाऊंगी। अम्मी जान बात तो सुने, अम्मी जान बात सुन ले। कहां जा रही हैं आप इस टाइम? बाजी आप इस टाइम? बेटा मैं तेरी मान तो वापस करने आई हूँ। ये आपके पास कैसे आया? बेटा मैं बड़ी शर्मिंदा, तेरे को ना मेरे बेटे ने चोरी कर ली थी, मैं माजरत चाहनी हूँ। कोई बात नहीं बाजी, मैं अपनी बीवी से बात कर लूंगा, लेकिन इरफान से एक बात आपने लाजमी कहनी कि जिस थाली में खाते उस पर छेद नहीं करते। ठीक है, शुक्रिया। बस बेगम, मैंने सोचा कि जब उनको उनकी गलती का एहसास हो गया तो उनको माफ कर देना चाहिए। आपने ठीक कहा, जब कोई इंसान गलती करके तस्लीम कर ले तो उसे माफ कर देना चाहिए और उनकी पर्दापोशी की जाए। जी बेगम, और अल्लाह भी यही कहते हैं कि आप लोगों के ऐप छुपाओ, मैं तुम्हारे ऐप छुपाऊंगा। वफादारी यही है कि आप मजबूरी बता के मदद ले, ना कि अपने मालिक का सामान चोरी करके। ऐसा करने से आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आया तो इसको लाजमी शेयर करें।